नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राधिका। पूरे भारत में इन्वेस्ट राजस्थान समिट की गूंज सुनाई दे रही है। देश के बड़े घरानों ने मरुधर प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। समिट के पहले दिन जहां बड़े उद्योगपतियों ने अपनी भागीदारी निभाई, वहीं दूसरा दिन एमएसएमई सेक्टर के नाम रहा। इसके लिए इन्वेस्ट राजस्थान में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए राज्य भर से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। एमएसएमई कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विकास में इसके योगदान का खुलकर जिक्र किया। उन्होंने कहा, बिना एमएसएमई के राजस्थान का उद्योग पनप नहीं सकता। और एक आधार बना करके जो सोच रखी गई थी एम एस एम ई छोटे उद्योगों में से क्या क्या सुविधाएँ मिले, क्या फायदे मिले, क्या क्या लोन मिल सके, ये तमाम जो है यूपी गवर्नमेंट बनी तो कानून पास कर गया। आज 6 लाख कंपनियां इस पे रजिस्टर्ड हैं और उनमें 1,35,000 कंपनियां अपने उत्पाद का निर्यात कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने एमएसएमई के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका फायदा उठाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनी को अब अपना बिजनेस करने के लिए 5 साल तक किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्क्लेव में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन राजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, विभाग से जुड़े सीनियर अफसर महेंद्र पारिक, विनय गुप्ता सहित कई उद्योगपतियों ने भी संबोधित किया। कॉन्क्लेव में एमएसएमई के तहत उद्योग लगाने और उन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी बताया गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में एमएसएमई के लिए रखे गए विशेष सत्र से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा। शुभ 24 न्यूज के लिए कमल जैन की रिपोर्ट। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।